श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे एक झाड़ू का टोटका जो आपको नवरात्रि में करना है और ये टोटका बैकफायर होने के बहुत कम चांसेस हैं, नहीं होता है जल्दी बैकफायर और निश्चित तौर पे आप मालाबाल बनोगे, खर्च भी नहीं है। ये झाड़ू का एक चमत्कारी और रहस्यमय टोटका है। नवरात्रि अच्छा समय है खास करके टोटकों के लिए। आप एक छोटा सा उपाय कीजिए, अभी अमावस्या शुरू होगी 19 तारीख को, तो 19 तारीख को 11:30 बजे, 19 तारीख मतलब 19 सितंबर की बात कर रहे हैं 2017, 19 तारीख को 11:15-11:30 के आसपास घर में जो आप झाड़ू इस्तेमाल कर रहे हैं, एक झाड़ू, आपके घर में 2-3 झाड़ू होंगे, आप एक झाड़ू निकालिएगा, एक झाड़ू को घर से बाहर रख दीजिए। टाइम का ध्यान जरूर रखिएगा, 11:15 के बाद करना है। पुराना झाड़ू घर से बाहर कीजिए। इसके बाद नवरात्रि वाला जो दिन है वह है 21 सितंबर। 21 सितंबर के दिन सुबह सुबह आप नया झाड़ू लेकर घर के अंदर प्रवेश कर जाइए, नवरात्रि वाले दिन जिस दिन घट स्थापना होती है। तो सुबह के वक्त आपको नया झाड़ू अपने घर में प्रवेश लेकर करना है। अगर झाड़ू का प्रवेश आपके घर के कर्ता करते हैं, जो ओनर हैं, जो पैसे कमाते हैं, तो बहुत लाभकारी होगा और यह झाड़ू आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। आपको बस एक ही पुराना झाड़ू बाहर करना है और एक ही नया झाड़ू आपको घर में लाना है। ऐसा नहीं कीजिए कि आप अपने घर के सारे पुराने झाड़ू बाहर फेंकते हैं और बहुत सारे नए झाड़ू लेकर आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करें, बस एक झाड़ू के साथ करना है। अगर हो सके तो फिर नए झाड़ू से हर रोज आपको अपने घर में झाड़ू लगाना है, इससे आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। तो ये नवरात्रि का टोटका है और ये बहुत ही कामयाब रहेगा। देखिए, हमारा झाड़ू है उसके मान सम्मान में कभी भी किसी प्रकार से झाड़ू की निंदा नहीं करनी चाहिए। झाड़ू को अच्छे से सम्मान नहीं दिया तो फिर प्रॉब्लम है, सम्मान दो, झाड़ू पर पैर मत रखो, झाड़ू को लांघना मत, ये सब आपको नहीं करना है झाड़ू के, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी के स्वरूप है। अगर ऐसी कोई गलती होती है तो झाड़ू का अपमान होता है, तो माता लक्ष्मी की जो कृपा है वो आप पर कम हो सकती है। तो कभी भी झाड़ू को लांघना नहीं चाहिए, लात नहीं लगना चाहिए। एक बात कौन ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू और पोछा गलती से भी मत लगाइएगा। जिस तरह सूर्यास्त के बाद चीज़ें ढलती है उसी तरह आपकी तकदीर का भी अस्त हो सकता है यदि आप शाम को झाड़ू या पोछा लगाते हैं। हमारे पुराणों में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो आप घर में झाड़ू फेरे तो गीली नहीं होनी चाहिए, किसी भी गीली जगह पर झाड़ू ना फेरें। अगर आप गीली जगह पर झाड़ू फेरते हैं तो हो सकता है कि आपके घर में धन की जो वर्षा है वो ना हो, थोड़ी सी कम हो जाए। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप रोज़ एक दिया जलाएं अपने इष्ट देवता के सामने, लक्ष्मी माता को दिया दिखाइए और जो भी आपने गलती की है उसकी आप माफ़ी मांग लें और कहें कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लक्ष्मी माता को दीपक जला के कहें कि हे इष्ट देवता, हे पितर, मेरे से जो भी गलती हुई है उसकी सजा मुझे और मेरे परिवार वाले को ना दें। मेरी जो गलती हुई है मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी। अक्सर लोग घर में पुराने झाड़ू चेंज नहीं करते, पुराना झाड़ू इस्तेमाल करते रहते हैं, तो आप झाड़ू को टाइम से चेंज करते रहिए, इससे लक्ष्मी माता और कुबेर भगवान आप पर खुश रहेंगे। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।